नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BRH फैक्ट। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके बारे में आपने तो सुना ही होगा। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिनमें आते हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। और इसके अलावा इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर आते हैं, जो हर 2 साल में सिलेक्ट किए जाते हैं। और हमारा भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 8वां मेंबर रह चुका है। दरअसल दोस्तों, यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबरशिप की दावेदारी की चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है। दरअसल पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि अगर भारत को परमानेंट मेंबरशिप के साथ वीटो पावर मिलता है, तो इससे पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र में हर चाल नाकाम हो जाएगी। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर अरबपति और टेस्ला कार कंपनी के मालिक एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता देने के लिए भारत की दावेदारी का खुलकर समर्थन किया है। एलन मस्क ने ये भी माना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और भारत को परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं देना बेतुकी सी बात लगती है। और टेस्ला के सीईओ के इस बयान के बाद पाकिस्तान में घबराहट बढ़ गई है। दरअसल दोस्तों, चीन और पाकिस्तान कभी नहीं चाहते कि भारत संयुक्त राष्ट्र परिषद का परमानेंट मेंबर बन जाए, और ये दोनों देश हमेशा भारत का कड़ा विरोध करते रहे हैं। इसमें पाकिस्तान का कहना है कि भारत दुनिया के इस सबसे बड़े शक्तिशाली सिस्टम का स्थायी सदस्य बनने के हकदार नहीं है। और वहीं एलन मस्क का कहना है कि दुनिया के शक्तिशाली देश अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते, और उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के सिस्टम में समीक्षा की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा है कि समस्या ये है कि जिसके पास बहुत ज्यादा शक्ति है, वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। और ये एक हंसने योग्य बात है कि धरती पर सबसे ज्यादा आबादी भारत की होने के बावजूद भारत को सुरक्षा परिषद में सदाई सदस्यता नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी राय में अफ्रीका को भी एक सीट देनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, भारत इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दावेदारी की पाकिस्तान लंबे समय से विरोध करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वैश्विक शांति और सुरक्षा में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। तेजी से उभरता भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहता है, इससे भारत का कद वैश्विक स्तर पर बढ़ जाएगा और पाकिस्तान को इसका ही सबसे ज्यादा डर है। दोस्तों, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलने पर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा और वह किसी भी विरोधी प्रस्ताव को आसानी से रोक सकता है। वहीं पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत कश्मीर को लेकर आने वाले किसी भी प्रस्ताव पर वीटो लगाकर आसानी से उसे रोक सकता है, और यही नहीं, भारत राजनीतिक रास्ते पर भी पाकिस्तान को अलग थलग कर सकता है। यही चिंता पाकिस्तान को खाई जा रही है। पाकिस्तान ही नहीं, उसका आका चीन को भी यही डर सता रहा है कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है तो एशिया में उसका दबदबा खत्म हो जाएगा, क्योंकि चीन ही एशिया में एक ऐसा लौता देश है जिसके पास वीटो पावर है। और इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं अंटोनियो गुटेरेस ने संगठन को आधुनिक दुनिया को अपनाने के लिए कहा है। गुटेरेस ने कहा है कि सुरक्षा परिषद को एक्सपेंड होना चाहिए। इसके साथ भारत और G4 के अन्य सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र परिषद की सुधार की मांग कर रहे हैं, और भारत की इस मांग को दुनिया भर का समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, रूस ने तो खुलकर भारत का समर्थन दिया है, अमरीका भी दबे मन से तैयार है, लेकिन वही चीन की टांग अड़ाने की वजह से यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही। पाकिस्तान, इटली और अन्य देशों के साथ मिलकर सुधारों का विरोध कर रहा है। और इसी बीच भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने भरोसा जताया है कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को लेकर दुनिया की धारणा बदल रही है और एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बड़ा खिलाड़ी होने की वजह से ये भारत का हक बनता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है पूरी खबर पर, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। और इसके साथ अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।